नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत और मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं ऋतु। और आज हम बात कर रहे हैं महासंग्राम 2023 की, क्योंकि रणभेरी बच चुकी है। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही पांच राज्यों के चुनावों का तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया। बड़ी खबर, एमपी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया है और मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव होंगे तो छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एमपी में वोटिंग होने वाली है और छत्तीसगढ़ में दो चरणों में। कौन कौन से दो चरण है, तारीख क्या है, बताते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा, नतीजे आएंगे 3 तारीख को। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बताने, सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे ही किया गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। 5 तारीख तक यानी 5 दिसंबर तक निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश 230 सीटें, छत्तीसगढ़ की 90 सीटें। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होना है और दो चरणों में मतदान तारीखों के घोषित होते ही एमपी में बीजेपी प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी हो गई। बड़ी खबर यह भी कि चौथी लिस्ट आ गई मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी दूसरी लिस्ट आई है। एमपी में 57 प्रत्याशी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और दूसरी लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं। 64 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 21 कुल मिलाकर 21 पहले नाम हुए थे और अब 64 हो गए, तारीखें घोषित हो गई। बिल्कुल तारीखें देखिए पुनीत घोषित हुई। लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था कि आखिर कब चुनाव आयोग ये तारीखों का ऐलान करेगा और ये ऐलान हो गया दो चरण में छत्तीसगढ़ में, तो एक चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। और जब से ऐलान हुआ है पुनीत, आप देख रहे हैं जश्न का माहौल, अलग अलग जगह पर कहीं बैंड बाजे, कहीं पर आतिशबाजी अलग ही नजर आ रही है। तो अब जो है बस इंतजार है, कुछ और समय का इंतजार करना पड़ेगा जब चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, अब जो बारी है टिकटों की। तो बात करें कांग्रेस की लिस्ट पर लगातार सबकी नजर बनी हुई है और बस कुछ इंतजार और करना होगा, थोड़े दिन का इंतजार करना होगा, उसके बाद सब चीजें साफ हो जाएंगी। तो मैदान में बीजेपी प्रत्याशी आ चुके हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बिगुल बज गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बीजेपी की लिस्ट आ गई। बड़े बड़े धुरंधर इस बार मैदान में हैं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह की बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए। और चलिए मध्य प्रदेश की लिस्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की लिस्ट जो जारी हो गई है, मध्य प्रदेश की कितनी लिस्ट जारी हुई है, 57 प्रत्याशी हैं और 57 प्रत्याशी में कौन कौन है बीजेपी की चौथी लिस्ट में, ये आपको बताते हैं। बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, एमपी में 57 प्रत्याशियों की ये चौथी लिस्ट ऋतु। और बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, पूछ रहे थे लड़ू कि नहीं, मिल गया टिकट। वाकई आजकल भावुक भी बहुत नजर आ रहे हैं और अब जब तस्वीर हम देख रहे हैं कि बुधनी से एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, उत्साह तो देखिए सभी में है क्योंकि सभी इस दिन का जो है इंतजार पुनीत हम सभी लोग जो है कर रहे थे। और मामा जैसे जैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं आप देखिएगा कि लोगों का उत्साह कितना चरम पर आ जाता है। बिल्कुल, दिग्गजों की बात कर लेते हैं, दिग्गजों का ग्राफिक आने वाला और दिग्गजों में कौन कौन है। देखिए दिग्गज में सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुधनी से मैदान में उतरने वाले हैं। दूसरा नाम अब आपको दिखाते हैं, दूसरा कौन है, दूसरा प्रत्याशी कौन है, बड़ा धुरंधर चेहरा जिसकी हम बात कर रहे थे कि धुरंधर कौन है। तो पहले तो सबसे बड़े धुरंधर, सबसे बड़े योद्धा जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, दूसरे बड़े योद्धा गृह मंत्री मध्य प्रदेश के ऋतु जी दतिया से नरोत्तम मिश्रा रहेंगे, तो इस बार भी वो चुनाव में रहेंगे, मैदान में रहेंगे। ये दिग्गज हैं, इन दिग्गजों को फिर से एक बार मौका दिया है, लंबे वक्त से गोपाल भार्गव, तो मुझे याद है गोपाल भार्गव कह रहे थे कि इस बार फिर ताल ठोकेंगे और अगली बार फिर ताल ठोकेंगे और आखिरकार पार्टी ने भरोसा जता दिया और गोपाल भार्गव को रैली से टिकट दे दिया। बहुत सीनियर नेता है, बहुत सीनियर नेता, तो एक फायर ब्रांड चेहरा है, फायर ब्रांड चेहरा रामेश्वर शर्मा, भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से रामेश्वर शर्मा को मैदान में उतारा गया है। आप रामेश्वर शर्मा जब बोलते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद करते हैं। एक और बड़ा नाम सिंधिया समर्थक, देखिए आगे आगे प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। जब जब जनता के बीच में जाते हैं तो इनकी चर्चाएं होने लगती हैं, इनके बयानों की बात करें, इनके कामों की बात करें। एक और गोविंद सिंह राजपूत, एक और नाम, ये गोविंद सिंह राजपूत आपको बता दें, ये प्रद्युम्न सिंह तोमर और गोविंद सिंह राजपूत ये सिंधिया समर्थक चेहरे हैं
और आखिरकार वो कहा जा रहा था कि चीनी और पानी घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, वही तस्वीर नजर आ रही है। अरविंद सिंह भदौरिया एक और बड़ा नाम बीजेपी का, अरविंद सिंह भदौरिया जो है वो बड़े कद के नेता माने जाते हैं और मंत्री भी हैं, तो टिकट फिर से मिल गया, फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। एक और बड़ा नाम विश्वास पार्टी ने जताया है और एक बार फिर से मैदान में विश्वास सारंग नरेला से। और अभी कुछ देर पहले बात भी हमारे सहयोगी कर रहे थे तो साफ तौर से वो कहते हुए भी नजर आए कि हाँ इस बार भी जिस तरह से मैंने पिछली बार जीत हासिल की थी उससे कई गुना ज्यादा वोटों से, कई गुना ज्यादा आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री है मोहन यादव, और मोहन यादव जो है उनको भी पार्टी ने भरोसा उन पर जताया है और फिर से चुनावी मैदान में उनको टिकट दे दिया गया। इसके अलावा कौन सा और नाम है, बड़े दिग्गजों के नाम बता रहे हैं और ये जो लिस्ट आई है ना 57 की, इसमें बहुत सारे दिग्गज हैं। और कौन से दिग्गज हैं, मोहन यादव जो है उच्च शिक्षा मंत्री, देखिए बता रहे हैं बीजेपी उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव को पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, अशरफ हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं अशरफ के पास, दिल्ली से लिस्ट जारी हुई है, अशरफ से बात करना जरूरी है। अशरफ लिस्ट जारी हो गई, चौंका दिया पितृपक्ष में, आखिरकार बीजेपी लिस्ट आई लेकर आई, मिथक तोड़ा, कुल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला के 121 प्रत्याशी घोषित किए गए आज। बिल्कुल पुनीत, बीजेपी ने अब तक अपने 121 प्रत्याशियों को अशरफ आप सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज विधानसभा चुनाव में मिल पा रही है, ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं। अशरफ सुन पा रहे हैं आप, अशरफ जी मैं आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, हमको नहीं मिल पा रही अशरफ की आवाज, लेकिन ठीक है चलते हैं भोपाल चलते हैं। अनुराग तो हमारे साथ जुड़े हुए, अनुराग आपको आवाज मिल पा रही है, लिस्ट जारी कर दी गई मध्य प्रदेश की, ये जो लिस्ट है 57 प्रत्याशियों की लिस्ट, वो भी तब आई जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया और एक चरण में ही मतदान होना है, लेकिन लिस्ट कई चरणों में आ रही। क्योंकि कई तरह के संदेश इस सूची अनुराग के आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारी आवाज आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है हाँ जी, बोलिए बिल्कुल। देखिए मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि आज जो बीजेपी ने सूची जारी की है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि इस सूची के जरिए बीजेपी ने कई तरह के संदेश देने का काम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों पर पार्टी ने विराम लगाने की कोशिश की है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान अपने परंपरागत सीट से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर कहा जा रहा था कि उनकी सीट को बदला जा सकता है या फिर उनकी जगह नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, उन कयासों पर भी पार्टी ने विराम लगाने का काम किया है। सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि 2018 में पार्टी ने जिन मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा था उनमें से 13 से 14 मंत्री हार गए थे, और इस बार भी यह कहा जा रहा था कि एंटी इनकंबेंसी असर दिखा सकती है, लेकिन इन तमाम जो बातें थी उनको दरकिनार करते हुए पार्टी ने साफ कर दिया कि मजबूत संगठन और जिताऊ चेहरे के सहारे पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो सूची जारी हुई है उसमें उम्र का बंधन भी नजर नहीं आ रहा है। बिसाहू लाल सिंह जो कि मंत्री हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उम्र के होते हुए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनको भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मतलब साफ है कि सिर्फ जीत और जीत के पैमाने के साथ पार्टी चुनाव के मैदान में उतरना चाहती है, और यही वजह है कि पुराने चेहरों पर एक बार फिर पार्टी ने दाव लगाया। 24 मंत्री पार्टी ने जो सूची जारी की है उसमें 24 मंत्रियों को अपना उम्मीदवार बनाया, और ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो परंपरागत जो सीट से लड़ते आए हैं उन्हीं को पार्टी ने मौका देने का काम किया है। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो पार्टी इस भरोसे के साथ चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है कि मजबूत संगठन और पुराने जिताऊ चेहरों के सहारे पार्टी 2023 के चुनाव की नैया को पार लगाएगी, और यही संदेश इस सूची में नजर आता है। चलिए ठीक है, अशरफ के पास चलते हैं, अशरफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अशरफ, 121 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया, मिथक तोड़ा बीजेपी ने, पितृपक्ष में लिस्ट जारी नहीं होती, ये बार बार बात कही जा रही थी लेकिन लिस्ट भी जारी की, चुनाव की तारीखों का आज ही ऐलान हुआ, आज ही लिस्ट जारी की गई, कोई खास रणनीति इसके पीछे, क्योंकि 3-4 दिन बाद भी अगर जारी कर देते तो क्या होता, लेकिन आज जारी की गई, कुछ वजह होगी?
देखिए पुनीत, ये वजह तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन वजह सिर्फ इतनी है कि समय है और दूसरा एक मनोवैज्ञानिक बात होती है, क्योंकि बीजेपी ने आप लिस्ट जारी कर दी है, 121 प्रत्याशी बीजेपी ने मध्य प्रदेश से अपने चुनाव मैदान में उतार दिए, सबके नाम घोषित कर दिए। एक तरह से कांग्रेस को उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में लेने का काम किया है। जो कांग्रेस कह रही थी कि हम 6 महीने पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे, उनको उतार देंगे चुनाव मैदान, लेकिन अभी तक वहां पे कांग्रेस में स्क्रीनिंग का काम चल रहा है और एक दफा सिर्फ सीईसी हुई है और उसमें भी उसके बाद भी अभी तक सूची कब जारी होगी इसका कुछ अता पता नहीं है। सभी दावा कर रहे हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष भाजपा के लिए भी है, लेकिन भाजपा ने मित तोड़ दिया। भाजपा ने अपने आज 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की और अब कुल 121। तो यहां पर स्थिति यह है कि बीजेपी कांग्रेस से बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। वो बीजेपी जो ये कहा जा रहा है कि चुनाव मैदान में उनके लिए हवा नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जिस तरह से वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी जीत के प्रति आश्वस्त है और इसी वजह से वो हर उन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार रही है जो उसके लिए जिताऊ कैंडिडेट हो। चाहे आप दूसरी सूची की बात कर ले जिसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, और आज जो 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की उसमें आप देखिए कि मुख्यमंत्री हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, भूपेंद्र यादव हैं, जो भाजपा के जिताऊ चेहरे हैं, एक बड़े कद्दावर नेता हैं, वो शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में भी हैं, वो सबको उन्होंने उतार दिया। किसी के लिए बीजेपी ने कहीं कोई संशय नहीं रखा, उनको लगा कि ये सब कद्दावर नेता हैं और जिताऊ कैंडिडेट हैं तो इनके लिए एंटी इनकम्बेंसी का कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ चाहिए जीतने वाले उम्मीदवार जो पार्टी को जीत दिला सके और वापस सत्ता में लौटा सके, और उसी का उदाहरण है आज बीजेपी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए अशरफ, आप हमारे साथ बने रहिए। और शेड्यूल कुछ आया है, देख लीजिए, मतदान 17 नवंबर और नतीजा 3 दिसंबर, 3 तारीख को नतीजा आने वाले हैं, और केवल मध्य प्रदेश के नहीं, 5 राज्यों के नतीजे 3 तारीख को ही आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, ये तारीख याद कर लीजिए, ये तारीख 17 नवंबर वोटिंग है, इस दिन 17 नवंबर को वोटिंग होगी। और न्यूज 18 भी आपसे अपील यही करता है कि आप अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें, अपने घरों से निकले और हर एक सुविधा जो है हर चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी, जो नहीं पहुंच सकते हैं उनके लिए घर पर व्यवस्था, और ज्यादा दूर जो है मतदान केंद्र ना हो इसकी भी व्यवस्था पुनीत इस बार की गई है। 17 नवंबर बेहद ही खास 2 किलोमीटर का दायरा तय कर रखा है कि उसके अंदर ही मतदान करने के लिए सुविधा हो, और इसके लिए पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो 6 महीने से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर आई है, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त क्या है, इलेक्शन ब्रेकिंग, छत्तीसगढ़ में 64 प्रत्याशियों में से 43 नए चेहरे, बहुत बड़ी खबर है, 43 नए चेहरे बीजेपी ने उतारे हैं, पुराने पर भी दांव लगाया है, लेकिन दूसरी लिस्ट में 3 सांसदों को टिकट दिया गया, पहली लिस्ट आई थी 1 सांसद को टिकट दिया था। वाकई अब जिस तरह से नए चेहरों को मौका मिला है, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर जो दावा इस बार दावा पुनी ठोका जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, आखिर क्या मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी 43 प्रत्याशियों को मैदान में उतारना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, और नए चेहरे हैं, और ये दरअसल एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो पिछली बार 15 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी, और इसीलिए 75 पार का जब कांग्रेस ने नारा दिया है तो फिर 64 प्रत्याशी में से 43 नए चेहरे, एक नई चीज जो है वो देखने को मिली है, और ये नई चीज इसीलिए भी क्योंकि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने के लिए माहिर है। दिग्गजों की कर लेते हैं बात, छत्तीसगढ़ में कौन है दिग्गज, सबसे बड़े दिग्गज की बात, सबसे बड़े लड़ैया, जी हां सबसे बड़े लड़ैया हैं डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पार्टी ने भरोसा जताया। रेणुका सिंह की भी बात कर लेते हैं, रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री, फिर से पार्टी ने टिकट दे दिया, केंद्रीय मंत्री को उतार रही मैदान में पार्टी, देखिए कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और नारायण चंदेल की बात, नारायण चंदेल का नाम जांजगीर चांपा से, देखिए ये भी बड़े दिग्गज हैं, विधानसभा में उतारा गया है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, ये बड़ा नाम बड़ा चेहरा जो है मैदान में उतारा गया है जांजगीर चांपा से। बिल्कुल, जांजगीर चांपा से भरोसा जताया है। और एक और बड़ा नाम धरमलाल कौशिक, विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ा नाम है, और ये तो मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे एक समय में, लेकिन कोई बात नहीं, अब उनको नई जिम्मेदारी, धरमलाल कौशिक बिल्हा से बीजेपी के उम्मीदवार बना दिए गए हैं, बड़ा नाम है, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, और एक दूसरे ये घेरने का काम सरकार को जो है आगे, वो लगातार करते बढ़े। और अरुण साफ की बात करें, लोरमी से इन्हें टिकट मिला है, लोरमी से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनके पास ऑलरेडी है, और अब मैदान में भी उतरने वाले हैं। बिल्कुल मैदान में उतरने वाले हैं। और देखिए ये एक और बड़ा नाम, लता उसेंडी कोंडागांव,
लता उसेंडी जो है वो बहुत बड़ा नाम है। लता उसेंडी की अगर बात की जाए तो लता उसेंडी बीजेपी में महिलाओं के लिए एक बड़ा चेहरा है और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी, वैसे लता उसेंडी जो हैं वे मंत्री भी रह चुकी हैं, महिलाओं को साधने के लिए बहुत बड़ा नाम। ब्रजमोहन अग्रवाल की बात करें जो हमेशा से अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, रायपुर दक्षिण से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़। ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से मंत्री, कई सारी अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। और एक और बड़ा नाम ओपी चौधरी का, देखिए ये लिस्ट जो है इसमें ओपी चौधरी जो है वैसे तो प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं लेकिन उन्होंने सेवाएं छोड़ी और उसके बाद उन्होंने संभाल लिया मोर्चा बीजेपी में। शेड्यूल क्या है, पहला फेज 7 नवंबर और दूसरा फेज 17 नवंबर और नतीजे 3 दिसंबर को। ये तारीख आप याद कर लीजिए क्योंकि 7 तारीख को जो वोटिंग होनी है ये बस्तर समेत 20 सीटों पर होनी है जबकि 17 तारीख को 70 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। ठीक। ममता सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लगातार जुड़ी हुई हैं, लिस्ट जारी हो चुकी है। ममता आखिर किस तरह से इस लिस्ट को देखें, नए चेहरों को जगह दी गई है, इतना बड़ा दाव खेला गया है, किस तरह से देखें इसे? बिल्कुल देखिए, पहली जो लिस्ट निकली उसमें 21 नाम, दूसरी जो लिस्ट निकली उसमें 64 नाम, यानी टोटल 85 जगहों पे प्रत्याशी जो है वो उतार दिए हैं, 5 जगहों पे बचे हुए हैं। अब ये दूसरी सूची अगर आप देखेंगे तो उसमें 11 जो विधायक हैं वो रिपीट किए गए हैं, यानी पूर्व विधायक हैं, और 5 साहू चेहरों को मौका दिया गया है, 43 नए चेहरे हैं और 3 सांसदों को दूसरी सूची में मौका दिया गया है, पहली वाली सूची में 1 सांसद को मौका दिया गया है। तो ये पूरा जो समीकरण अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़ी बात ये है कि 43 नए चेहरों को उतारा गया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये 43 नए चेहरे किस तरह कि क्या किसी तरह का कमाल दिखा पाते हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी कहती थी कि युवा और नए चेहरों को उतारा जाएगा तो और पूरी की पूरी सूची जो है वो नहीं होगी, तो ये जो बातें हैं वो एक महज कयास ही निकले और पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है। 43 नए चेहरों की बात है तो अब अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सूची का इंतजार है, कांग्रेस क्या नए चेहरों को मौका देती है या पुराने जो लोग हैं उनमें से कितनों को रहने देती है, कितने विधायकों का नाम काटती है, ये जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है, अभी संभावना जताई जा रही है कि करीबन 20 जो पहली बार बने विधायक जो हैं वो खतरे में आते हैं, तो क्या उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाता है नए चेहरों को, तो नए चेहरे और नए चेहरों के बीच में जब मुकाबला होगा तो देखना होगा कि किस पार्टी का नया चेहरा जो है वो भारी पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पार्टी ने ABCD 4 कैटेगरी बनाई हुई थी सूची जारी करने को लेकर कि पहले जो है वो सबसे जहां पर पार्टी कभी नहीं जीती वहां पर की लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद में ऐसी जगहों पर जारी की जाएगी जहां पर बीजेपी कभी कभी जीती और उसके बाद जहां पर बीजेपी जीतती आई है, लेकिन अब सीधे जो है 64 नामों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, लेकिन एक बात ठीक है, ठीक है, अशरफ के पास चलते हैं और अशरफ से बात करते हैं। अशरफ, ABCD की बात कही जा रही है और ए बी छत्तीसगढ़ में तो दो ही लिस्ट आई और आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि अब कुल मिलाकर 85 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए, मैदान बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन आखिरकार पिक्चर तो क्लियर है लेकिन सस्पेंस बाकी है 5 सीटों का, ये 5 सीटें कौन सी हैं और सस्पेंस क्यों बरकरार रखा गया है? पुनीत, देखिए 5 सीटों में जो छत्तीसगढ़ की है उसमें से एक अंबिकापुर है जहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं और जहाँ से सांसद भी हैं रेणुका सिंह जो अब चुनाव मैदान में उतरेंगी, उनको विधानसभा चुनाव से उतारा, तो कई सस्पेंस क्यों है इन 5 सीटों पे, इसके बारे में तो कयास देखिए बहुत है राजनीतिक हलकों में कि उन्होंने बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही, वो चाहती है कि कांग्रेस अपने यहाँ से TS सिंहदेव के सामने किसको कब घोषणा करती है और हम फिर किसको उतारे, तो ये कि इस तरह के कयास है। लेकिन जो पूरी बात है, छत्तीसगढ़ में 90 में से 85 सीटों पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, कांग्रेस अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पाई, तो अब सामने चुनौती कांग्रेस के है कि कांग्रेस अब ये जो बीजेपी ने बिसात बिछाई है जिसमें नए चेहरों को भी उन्होंने जगह दी है और सांसदों को भी मंत्री को भी उन्होंने उतार दिया है चुनाव मैदान में। इसका अशरफ आप जो ये बता रहे हैं ना, ये बड़ा ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट इतना मजेदार है, इस पर बात करते हैं ममता से कि ये ट्विस्ट में खेल क्या हो रहा है। ममता, मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे पहली लिस्ट आई, प्रत्याशी मैदान में उतार दिया, सांसद को मैदान में उतार दिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री को भी टिकट दे दिया गया, लेकिन मौजूदा उप मुख्यमंत्री के खिलाफ TS बाबा के खिलाफ कौन प्रत्याशी होगा
ये इंतजार किया जा रहा है। क्या बीजेपी, या वो कहते हैं ना कोई फिरकी तो नहीं ले रहा, तो बीजेपी कोई फिरकी तो नहीं ले रही कहीं? बिल्कुल, देखिए 5 सीटें जो है वो पंडरिया है, बेमेतरा है, कसडोल, बेलतरा और अंबिकापुर। अंबिकापुर जो है वो पूर्व, अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव का क्षेत्र है और वहाँ पर अभी बीजेपी ने चेहरा नहीं उतारा है। पंडरिया, बेमेतरा, कसडोल और बेलतरा में भी नहीं उतारा है। कसडोल को लेकर अगर हम बात करें तो कसडोल में अभी जो कांग्रेस विधायक हैं उनको लेकर लगातार जब कांग्रेस भवन में लोग बायोडाटा लेकर पहुँच रहे थे, शकुंतला साहू वहाँ पर है, साहू समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो हालांकि वहाँ पर विरोध के स्वर भी दिखाई दिए थे और लेकिन ये जरूर है कि शकुंतला साहू जो है वो भारी मतों से पिछली बार जीती भी थी। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी ये सोच रही है कि साहू समाज से ही किसी को प्रतिनिधित्व, किसी को चेहरे को मौका दिया जाए। हालांकि 5 जो है अभी दूसरी सूची में जिन लोगों को के नाम है वो 5 साहू समाज से हैं। अंबिकापुर की अगर हम बात करें तो अंबिकापुर को लेकर वाकई बीजेपी ने अभी अपना दांव बचा कर रखा हुआ है, तो देखने वाली बात ये होगी कि अंबिकापुर की सीट को लेकर बीजेपी जो है वो नाम कब जारी करती है और लेकिन नाम कौन सा होगा, तो ये तो दिलचस्प बना ही हुआ है। मुख्यमंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल जो उन्हीं के भतीजे हैं उनको उतार करके जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने सबसे पहले जब उतारा तो एक बड़ी चर्चा भी शुरू कर दी थी और ये एक स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा था कि आप जब मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे बड़ी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नजर इसी बात को लेकर रहती है कि अगर विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी सीट भी तो है। अनुराग हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनके पास चलते हैं। अनुराग, अब बहुत जरूरी हो गया है, मध्य प्रदेश में 136 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से घोषित कर दिए गए, यानी आधी से ज्यादा सीटें घोषित कर दी गई। सभी मंत्रियों को टिकट भी करीब करीब दे दिया गया, हालांकि कुछ लिस्ट बाकी है और कुछ मंत्रियों के नाम भी बाकी है, उनको चिंता हो रही होगी। लेकिन अब क्या कांग्रेस के खेमे में चिंता है? कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कानाफूसी हो रही है कि भाई अपनी लिस्ट कब आएगी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर हलचल तेज है कि आखिर कांग्रेस में सूची को लेकर कब तक इंतज़ार होगा। क्या ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे और उसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करे? ये एक हिस्सा जरूर हो सकता है। लेकिन जिन सीटों पर उम्मीदवार अपने नाम का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी बेसब्री तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कमलनाथ ने कहा था कि जिनको चुनाव लड़ाना है उनको हम इशारा कर देंगे, लेकिन अब तक सूची जारी नहीं होने पर कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी इस बात को लेकर अब उभरती हुई सामने आ रही है कि आखिर कब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा और कब वो चुनाव प्रचार खुलकर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए कांग्रेस के अंदर भी टिकटों को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी है और 4000 से ज्यादा आवेदन 230 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस को मिले हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और उसमें कमलनाथ ने कहा था कि 140 सीटों को लेकर फाइनल रूप दिया जा चुका है और कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद उनको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर अब उठ रहे हैं कि आखिर किस स्तर पर देरी हो रही है, क्या शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि पितृपक्ष में कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपनी सूची जारी नहीं करेगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने का काम किया है कि चाहे पितृपक्ष हो वो भी बीजेपी के लिए शुभ हो सकते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर अब इस बात को लेकर कानाफूसी तेज होती हुई नजर आ रही है कि जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनका नंबर कब आएगा उनको उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी अनुराग, चौथी लिस्ट का इंतजार था, इंतजार तो खत्म हो गया, पर जिस तरह से कहा जा रहा था गुजरात मॉडल पर, हो सकता है यहां पर भी ऐसी स्थिति बने, ऐसी ही लिस्ट जारी हो, पर सिनेरियो पूरा अलग हो गया। उम्मीद कुछ और थी, कुछ और ही हुआ। सिटिंग एमएलएस को जगह दे दी गई, मंत्रियों को जगह दे दी गई। आखिर इसे किस तरह से देखें? क्या वाकई ये माने कि बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, किसी भी तरह नए दावेदारों को जगह नहीं देना चाहती या युवा को जगह नहीं देना चाहती? देखिए पहले चुनाव के ठीक पहले कहा जा रहा था कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका देगी और मौजूदा विधायकों के टिकट बदलने का काम किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से चौथी सूची जारी हुई है वो इस बात का संकेत साफ देती हुई नज़र आ रही है कि सिर्फ जो पैमाना है पार्टी का वो जीत का पैमाना है। जो सर्वे में मजबूत कैंडिडेट निकल कर आए उन्हीं पर पार्टी भरोसा जताने का काम करेगी और किसी भी तरीके का जोखिम पार्टी लेना नहीं चाहती। और यही वजह है कि बिसाहू लाल
सिंह से लेकर मंत्री गोपाल भार्गव तक पार्टी ने दोबारा मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। कहा हाँ। यही जा रहा था कि अब जिनकी उम्र 70 के पार हो चुकी है या जो उम्र दराज नेता हो चुके हैं उनका टिकट काटकर किसी नए चेहरे को चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन महिला शक्ति की बात कर लेते हैं, ठीक है अनुराग, अनुराग आपके पास लौटेंगे, महिला शक्ति की बात कर लेते हैं ऋतु, और महिला शक्ति की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो लिस्ट आई है, हमारे साथ ममता जुड़ी हुई है, ममता बताएंगी। ममता, छत्तीसगढ़ की लिस्ट हमने देखी, महिलाओं को टिकट दिया गया, बोल्ड अक्षर में लिखा गया है मेरे ख्याल से कि बोल्ड अक्षर में कुल 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल देखिए, वाकई बोल्ड अक्षरों में लिखा गया, और खासतौर पर सांसद हैं जैसे कि रेणुका सिंह है उनका नाम लिखा गया, उदेश्वरी पैकरा, और भी जगहों पर जो महिला सुमिति सुनीति सत्यानंद राठिया, गोमती साय, ये तमाम जो नाम महिला जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनको बोल्ड अक्षर में लिखा गया है। छत्तीसगढ़ की अगर हम सिनेरियो की पूरी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है युवा और महिला वोटर्स हैं, और जाहिर तौर पर कोशिश दोनों ही पार्टियों की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जैसे कि कांग्रेस ने कहा कि भाई वो करीबन 22 जो है वो महिला प्रत्याशी उतारेंगे विधानसभा में, और इसी तरीके से अगर बात करें तो बीजेपी ने जो महिला प्रत्याशी जो है वो उतारे हैं तो वो महिला वोटर्स को ध्यान में रखकर ही उतारे हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो महिला आरक्षण का मुद्दा भी जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा होगा, तो दोनों ही पार्टियां ये समझती हैं या बाकी की पार्टियां भी ये समझती हैं कि जब महिला आरक्षण की बात होगी तो कहीं ना कहीं महिला प्रत्याशी अगर होते हैं तो बात ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से रखी जा सकती है और पार्टी को इसका फायदा भी हो सकता है। तो युवा वोटर्स की बात करें चाहे महिला प्रत्याशियों की बात करें, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अलग अलग मसले हैं। एक चीज़ और पार्टी ये चीज़ इस चीज़ को लेकर समझती है कि कोई अगर महिला प्रत्याशी जो है किसी घर की महिला वोटर को प्रभावित करता है तो पूरा घर भी कई बार जो है उसको साधने में आसानी हो जाती है। सारे मुद्दे, और इस बार दिलचस्प ये है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वैसे बीजेपी जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए माहिर मानी जाती है, और एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने इस बार क्या किया है, एक्सपेरिमेंट ये किया है कि कुछ नहीं किया, और यही एक बीजेपी का एक्सपेरिमेंट आप मान सकते हैं कि यही एक बीजेपी का एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि बीजेपी ने कोई बदलाव ज्यादा इस बार किया नहीं है। अब उसे एंटी इनकम्बेंसी से आप जोड़कर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में फिर से सत्ता में लौटना है, 15 साल शासन किया, 5 साल कांग्रेस ने इस तरीके से वापस कमबैक किया जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, तो वहां वापसी भी बीजेपी को करनी है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सत्ता को बरकरार रखना है। एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो कहीं ना कहीं टेंस में है, लेकिन टेंशन में नहीं है वो, अब तो उनको टिकट मिल गया। अब देखिए 230 सीटें हैं बीजेपी 127, कांग्रेस 96, अदर्स 7, ये एमपी की चुनावी तस्वीर है, ये मध्य प्रदेश की मौजूदा तस्वीर है, मौजूदा तस्वीर देख ली आपने। अब 64 प्रत्याशियों में से 43 नए चेहरे, ये तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ये दूसरी लिस्ट जो है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, 3 सांसदों को टिकट दिया ऋतु, 3 सांसद टिकट दिए गए हैं और केंद्रीय मंत्री को भी टिकट दे दिया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, 85 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, 5 की लिस्ट बाकी है, 5 पे सस्पेंस बना के रखा है। और देखिए सबसे बड़ा जो चेहरा है वहां पर उप मुख्यमंत्री के जहां पर सीट है वहां पर जो है ऐलान नहीं किया गया, तो उसको लेकर के कयास कई सारे हैं, बिल्कुल कयास कई सारे हैं, और वही मैंने कहा ना कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रत्याशी आपने उतार दिया, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रत्याशी अभी तक क्यों घोषित नहीं किया, अंबिकापुर सीट बड़ी है जाहिर सी बात है, लेकिन हो सकता है विचार विमर्श किया जा रहा हो, बड़ा चेहरा है टीएस बाबा जो हैं वो दमदार चेहरा है, और पार्टी निश्चित रूप से बीजेपी जो है वो चाहती होगी कि एक बड़ा चेहरा यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाए, 5 की लिस्ट आएगी तो उसमें साफ हो जाएगा कि क्या होने वाला है। और पुनीत इस बार की लिस्ट में खास बात ये देखिए आप कि 43 नए लोगों को जगह दी गई है, बिल्कुल 43 नए और 64 में से 43 नए, और 85 की लिस्ट पूरी हो चुकी है, छत्तीसगढ़ एक प्रकार से कंप्लीट हो चुका है, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस को ट्रेलर भी नहीं दिखा रही। एक तरफ आप देखिए मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर पुरानों पर ही दाव खेला गया है, वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को जगह दी गई है, नया दावा जो है खेलने पर यहाँ पर बीजेपी आई, हालांकि देखने वाली बात होगी कि दम भरा जा रहा है, दावे करे जा रहे हैं कितना। देखिए ये सामने आ गया पूरा डेटा सामने आ गया, 230 सीटें हैं वहां पर आप देख सकते हैं, फिर बीजेपी 127, 96 कांग्रेस के पास, ये मौजूदा स्थिति आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में 2018 में
चुनाव हुए, उसके बाद 2018 के बाद उपचुनाव हुए और उपचुनाव के नतीजों को मिलाकर मौजूदा ताकत मध्य प्रदेश विधानसभा की क्या है वो इस आपने बार ग्राफ के जरिए देखा कि ये ताकत है। 230 सीटें हैं और कांग्रेस कहां 114 थी और अभी 96 की ताकत कांग्रेस के पास केवल बची हुई है, जबकि बीजेपी जो है 126 पर है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के महासंग्राम की ये तस्वीर, चुनावी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस पिछली बार उभरी थी और उसके बाद जो उपचुनाव हुए, एक उपचुनाव भी बीजेपी जीत नहीं पाई। ऋतु, वाकई नहीं जीत पाई। और इसी को लेकर के देखिए पुनीत, सवाल भी उठे कि जब उपचुनाव नहीं जीत पाई, चुनाव में इतनी करारी शिकस्त मिली, उपचुनाव में फिर मिली, तो आखिर आगामी चुनावों में क्या होगा? यह सवाल उठना लाजमी। आगामी चुनावों में क्या होगा? 85 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए बीजेपी की तरफ से, 64 प्रत्याशियों में से 43 नए चेहरे हैं। बीजेपी जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और जश्न के विजुअल आ गए। ये जश्न की तस्वीर देखिए आप, जैसे ही नामों का ऐलान हुआ, लिस्ट आ गई, आतिशबाजी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये आतिशबाजी नगाड़ों की, ये आतिशबाजी क्या बताती है? आतिशबाजी बताती है 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और ये कहा गया कि कार्यकर्ताओं ने काम किया, कार्यकर्ता नाराज थे, इस बार क्या कार्यकर्ता कुछ, पर कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो है उन्हें चार्ज करने का काम समय पे किया गया, उसी का नजारा है। देने वालों का तांता लग गया, राजेश मूणत पूर्व मंत्री जो है उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया है। वे भी खुश है कि आखिरकार चुनावी टिकट उन्होंने हासिल कर ही लिया, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल जो हैं उनको भी टिकट मिला है। देखिए दुर्ग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, यहां पर भी जश्न साफ तौर से नजर आ रहा है। देखिए जश्न में डूबे सभी कार्यकर्ता, हार फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। प्रत्याशी जो है वो चुन लिए गए, अब कार्यकर्ताओं को मैदान में जुट जाना है, प्रत्याशियों को भी पूरी ताकत झोंक देना है, कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना है, उनके साथ मीटिंग करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ देंगे, नाराज जो हैं नाराजगी दूर कर लें। देखिए एक और तस्वीर आ गई है, जिन जिनको टिकट मिला है उन सब की तस्वीरें आ गई हैं। वे बेहद खुश हैं कि एक लड़ाई तो जीत ली, अब दूसरी लड़ाई की बारी है। अभी तो देखिए कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं, अभी ये सभी भगवान की शरण में भी जाएंगे, उसके बाद जनता की शरण में जाएंगे कि हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। जनता ही जनार्दन होती है और जनता जनार्दन जो है उसको तारीख याद कर लेनी है। मध्य प्रदेश की तारीख है 17 नवंबर 2023, छत्तीसगढ़ की तारीख खासतौर पर पहली 20 सीटों के लिए 7 नवंबर 2023 और 17 नवंबर 2023 दूसरे चरण का मतदान। नतीजे आएंगे सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको हम बताएंगे 3 तारीख को नतीजे, लेकिन एमपी के दिग्गज जिनको मिला है टिकट बीजेपी की तरफ से कौन कौन है बताएंगे आपको, दिखाते हैं। देखिए शिवराज सिंह चौहान बुधनी से, लगातार हम मुख्यमंत्री को कुछ दिन से सुन रहे हैं, वो थोड़े से भावुक भी नजर आ रहे हैं, पर जैसे ही नाम आया कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह चरम पर पहुंच गया। लगातार तस्वीरें दिखाते हैं, नरोत्तम मिश्रा दिग्गज गृह मंत्री दतिया से इन्हें जो है मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल मैदान में उतारा गया और नरोत्तम मिश्रा की छवि तो हम सब जानते हैं, फिल्मों पर भी टिप्पणियां वो करते रहते हैं, फिल्म रिलीज होती है तो नरोत्तम मिश्रा बड़ा नाम है और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं। बड़ा नाम एक और है गोपाल भार्गव का। गोपाल भार्गव है कौन? गोपाल भार्गव सीएम फेज भी रह चुके हैं, गोपाल भार्गव बड़े फेज हैं, गोपाल भार्गव ब्राह्मण चेहरा है, बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, मुख्यमंत्री के बेहद ही करीबी माने जाते हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं, ब्राह्मण चेहरा है, चुपचाप काम करते हैं, लेकिन टिकट के लिए बोल देते कि मैं भी टिकट में लड़ूंगा ही लड़ूंगा और फिर से रामेश्वर शर्मा को उम्मीदवार जो अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहते हैं, हर एक बयान पे बिल्कुल दिग्गज कह के आ रहे हैं। दिग्गजों को टिकट तो मिल गया ऋतु, लेकिन उसके बाद उनके खुशी का ठिकाना नहीं है, साथ ही साथ वो कैसे दावेदारी जता रहे हैं और कैसे जीत का दम ठोक रहे हैं, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी हो गई। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं, प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, 230 में से 136, बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहाँ है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में,
भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठम लट्ठा मची हुई है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता झोंक के हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि यही प्रदेश के और प्रदेश की जनता के हित में है। मैं आज हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहा हूँ, कल दिन भर मुलाकात और चिंतन दोनों करूँगा, परसों सवेरे लौटूंगा और चुनाव अभियान में पूरी ताकत के साथ हम भिड़ जाएंगे केंद्रीय नेतृत्व को। भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी और संगठन में भी सतत काम करती रहती है। चुनाव आने पर काम करें वो भारतीय जनता पार्टी का तरीका नहीं है, कार्यशैली नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, चाहे विकास हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय हो, चाहे टेक्नोलॉजी का विषय हो, चाहे गरीब कल्याण का विषय हो, किसान का विषय हो, महिला का विषय हो, नारी शक्ति वंदन का विषय हो, आप देखें हर तरफ मोदी जी के जो काम है उनका एक इम्पैक्ट है सारे देश में। मध्य प्रदेश में गत 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी की गरीब कल्याण की, महिलाओं के उत्थान की योजनाओं को लेकर पूरे देश में अपने आप में एक मिसाल बन चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है और वो सरकार है हमारी के लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद में हम विकास के एजेंडा पर, सेवा के एजेंडा पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जो पार्टी लगातार सरकार में रहती है वो अपने कामों की फेहरिस्त नहीं बता पाती, उसके किसके प्रति लोगों में एक ये भाव रहता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड खुद जनता के बीच में अमित शाह जी के माध्यम से हम दे चुके हैं और जनता हमारे रिपोर्ट कार्ड को देखकर, हमारे काम को देखकर, हमारी सेवा को देखकर, संवेदना को देखकर हमें वोट निश्चित करेगी और सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कमल पटेल अभी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा ने सातवीं बार उनको हरदा से अपना प्रत्याशी बनाया है। हम कमल जी से जानते हैं कि आने वाले चुनाव में उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी। माँ नर्मदा के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, मेरे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे सातवीं बार भारतीय जनता का प्रत्याशी बनाया है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो बिन मांगे मोती देती है। हमने कहीं टिकट मांगने नहीं गए, ना कहीं गए, आपको पता है कि हम यही क्षेत्र में काम करें और पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं भी, मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी को रिकॉर्ड वोट से जिता के विधानसभा की सीट दे ताकि भाजपा की सरकार बने और जनता का कल्याण करें। मैं हरदा को हिंदुस्तान का नंबर एक जिला बनाने का मेरा सपना था, वो साकार हो गया। कल ही हमने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, 233 नरेंद्र मोदी कृषक कल्याण केंद्र, बहुत जैसे कृषक कल्याण केंद्र एक साथ हर ग्राम पंचायत, 220 ग्राम पंचायत, 220 ग्राम पंचायत, 13 अतिरिक्त, ये वर्ल्ड में विश्व में कहीं नहीं। और इसलिए 70% हमने सिंचित कर दिया, 70% हमने सड़कें का स्वीकृत कर दी। अब मेरी प्राथमिकता होगी जो काम हमने स्वीकृत कराए उनको अच्छी गुणवत्ता के जल्दी से जल्दी पूरा। मध्य प्रदेश में भाजपा की कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 200 से ऊपर सीटें हैं। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, कांग्रेस खत्म, क्योंकि कांग्रेस ने जनता के साथ छल किया, धोखा दिया। 60 साल में कांग्रेस ने शौचालय नहीं बनाया, मकान नहीं बनाया, गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, बिजली की नहीं की, सड़क नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में मोदी जी का नेतृत्व सरकार कर दिया और इसलिए जनता का दिल हमने जीता, विश्वास जीता, सत्ता साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, चुनाव भी हम उस पर जीतेंगे और हरदा में भी कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएंगे। हमारा कृषि मंत्री हैं, लेकिन एक प्रकार से वो प्रवक्ता वाली जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन प्रवक्ता वाली जिम्मेदारी, क्योंकि हमेशा वो अपने बयानों के लिए और तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। कमलनाथ पर कैसे कैसे उन्होंने वार किए हैं, तो कमल पटेल कह रहे हैं कि बिन मांगे मोती मिले, बीजेपी कह रही है कि बिन मांगे मोती मिले और बिन मांगे मोती मिल गया क्योंकि टिकट मिल गया है और टिकट के कई सारे दावेदार हैं।
जिनको अभी भी इंतजार है, ऐसे मंत्री हैं जिनका टिकट अभी तक पक्का नहीं हुआ है, और जरूर से उनकी सांसें जो हैं उनको वो तेज हो गई होंगी ऋतु, उनकी सांसें तेज हो गई होंगी, क्योंकि अब हमारा क्या होगा, जिनकी लिस्ट जिनका नाम नहीं आया उनको तो चिंता हो रही होगी, हमारा क्या होगा, हम भी तो दावेदार थे, हम भी तो जीत की बात कह रहे थे। वाकई देखिए इस लिस्ट ने चौंकाया भी है और नहीं भी चौंकाया है, जो जिस तरह की लिस्ट हम देख रहे हैं, देखिए प्रतिक्रियाएं हमने आपको लगातार दिखाई, दावा दम सब दिखाया जा रहा है, पर यह तो देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट आएंगे। पर देखिए इस बार जिस तरह से लिस्ट जारी की है बीजेपी ने और सिटिंग विधायकों को मौका दिया है, फिर से मौका दिया है, मंत्रियों को लाए हैं, ये चौंकाने वाला है। साथ ही साथ कई समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सिंधिया समर्थकों को मौका मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, पांच पुनीत को फिर से मौका मिला। कमलनाथ ने ट्वीट किया और कमलनाथ ने ट्वीट में क्या लिखा है ये अब हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मैदान में है जिन्हें मध्य प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार का प्रतीक मानती है, बहुत बड़ा हमला कमलनाथ की तरफ से बोला गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ कह रहे हैं कि थके हुए चेहरे हैं, अपना पिंड छुड़ाना जनता इनसे चाहती है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। कमलनाथ ने ट्वीट किया, फेसबुक पर लिखा है भाजपा ने इन्हें आगे कर अपनी हार मान ली है, बहुत गंभीर आरोप और बहुत तीखा हमला कमलनाथ करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के तो दिग्गज मैदान में, बीजेपी की चौथी सूची में एक बार फिर से वही चेहरे हैं मैदान में हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की जनता जो है उसने भ्रष्टाचार का प्रतीक मान लिया है, ये कमलनाथ लिख रहे हैं फेसबुक पर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और थके हुए हारे हुए चेहरों से जनता बोर हो चुकी है। तो क्या ये संकेत भी है कांग्रेस की लिस्ट के कि थके हुए हारे हुए चेहरे, थके हुए पुराने चेहरे, यानी कि पुराने चेहरों को अगर बीजेपी रिपीट कर रही है तो क्या ऋतु कांग्रेस चेहरों को रिपीट नहीं करने वाली? वाकई यही संकेत है कि क्या कांग्रेस सब नए चेहरों को जगा देगी, नया दांव खेलेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। देखिए अगर नए चेहरों को जगा देती है तो जो पहले से ही दावेदारी पुनीत अगर ठोक रहे हैं, अगर उन्हें जगह नहीं मिली तो पहले ही कलह तो हम देखते ही है, और ममता हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अनुराग भी जुड़े हुए हैं, ममता भी जुड़ी हुई है। अनुराग एक चीज है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जो क्षति हमको याद है गुजरात के नतीजे आए थे तो बीजेपी ने वहां पर एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे बहुत सारी चीजें वहां पर बदली, मध्य प्रदेश में जब दूसरी लिस्ट आई तो लगा कि हाँ एक्सपेरिमेंट कर रही है, चौथी लिस्ट आई तो कुछ और बताया जा रहा है, इसके बाद लिस्ट आई कि शायद कुछ और हो, लेकिन दूसरी और चौथी लिस्ट के बीच में एक बात जो सामने आई वो आई जातिगत जनगणना का मुद्दा जो कांग्रेस ने उठा लिया, क्या इस लिस्ट में वो बात भी छुपी हुई है, वो कांग्रेस के जातिगत जनगणना वाले दांव की काट तो नहीं है ये लिस्ट? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर रही है लेकिन बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, चाहे ब्राह्मण चेहरा हो, एससी एसटी का चेहरा हो, उनको भी चुनाव में मैदान में उतारने का काम पार्टी ने किया। और जिन सूचियों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, पहली और दूसरी सूची में जिस तरीके से बीजेपी ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा था वो एक अलग संदेश देने वाली थी कि भाई जहां पर कमजोर सीटें हैं वहां पर पार्टी बड़े दिग्गज चेहरों के सहारे उतरने का काम करेगी, और जहां पर पार्टी कंफर्ट नजर आ रही है यानी कि जहां पर मौजूदा एमएलएज हैं और जहां पर पार्टी को लगता है कि जोखिम कम हो सकता है वहां पर पुराने चेहरों को रिपीट किया जा रहा है। तो यह बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा जरूर माना जा सकता है। हालांकि अभी आधे से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार पार्टी ने घोषित कर दिया, अभी कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना बाकी है तो उसमें क्या नया होगा उस पर भी सबकी नजर होगी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से अभी जिक्र कर रहे थे कि हम उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं और अब चुनाव प्रचार अभियान के रथ पर सवार होने वाले हैं, कांग्रेस रथ पर कब सवार होगी, कब उम्मीदवार घोषित होंगे, ये पसोपेश के हालात हैं। तो क्या कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि बीजेपी सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दे उसके बाद हम अपने चेहरे सामने लेकर आए, कहीं इसमें देरी कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते? ममता लगातार छत्तीसगढ़ से बनी हुई है, ममता बड़ा दाव हम ऐसे कह सकते हैं कि महिलाओं को 85 सीटों में से इतनी सारी महिलाओं को जगह दी गई, साथ ही साथ अगर हम ये भी देखें कि कई सारे ऐसे चेहरों को भी जगह दी गई है जो 50 साल की उम्र से कम है।
बिल्कुल देखिए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखा गया है। महिला वोटर्स सबसे ज़्यादा है और दूसरी बात अगर हम बात करें तो युवा वोटर्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। तो दो जो है, महिला और युवा वोटर एक बड़ा फैक्टर है आने वाले समय में किस पार्टी को जीत मिलेगी इसमें भूमिका निभाने में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महिला प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस ने भी कहा है कि करीबन 22 जो है 90 सीटों में करीबन 22 से 24 कुमारी शैलजा ने कहा था, जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है, महिला प्रत्याशी हम उतारेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी लगातार महिला आरक्षण की बात करती रही है और अभी जो महिला प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं उसमें सांसद भी है, रेणुका सिंह है, गोमती जो सा है, ये सब जो है वो महिला प्रत्याशी भी हैं। लता उसेंडी जो पूर्व मंत्री रही हैं, पहले महिला बाल विकास मंत्री थी, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो संयोगिता सिंह हैं जो जुदेव परिवार से हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी इनके विरुद्ध जो है, जहां पर ठीक है आरक्षित सीट है वहां पर तो अलग बात है, लेकिन जहां पर आरक्षित नहीं है तो क्या ये देखकर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारती है कि यहां पर बीजेपी ने महिला प्रत्याशी उतारे हैं तो हम भी यहां पर महिला प्रत्याशी उतारे? हाँ, ये बात जरूर देखने वाली होगी क्योंकि ये दूसरी लिस्ट जो बीजेपी ने जारी की है, अब देखना होगा कि कौन सी महिला प्रत्याशी बीजेपी और कितने उम्मीदवार उतारती है महिला प्रत्याशी। बहुत शुक्रिया ममता आपका, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो जानकारी जो है वो तो बहुत सारी है, चुनाव की जानकारी तो जितनी जानो उतनी कम है, लेकिन हर जानकारी को न्यूज 18 आप तक पहुंचाने वाला है और हर एक पल पल की अपडेट नतीजों तक। नतीजे 3 तारीख को आएंगे लेकिन उसके पहले है वोटिंग, और वोटिंग है मध्य प्रदेश में कितने चरण में, ऋतु बताइए। देखिए दाव जिस तरह से खेला गया है मध्य प्रदेश में तो एक ही चरण में है, वही छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। वही 17 तारीख मध्य प्रदेश की रहेगी, 7 और 17 रहेगी छत्तीसगढ़ की। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, सभी को बेसब्री से इंतजार है। पल पल की अपडेट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको देता रहेगा कि आखिर कहां कहां कैसी वोटिंग हो रही है और कितना उत्साह जो है मतदाताओं में है। बिल्कुल, कितना उत्साह है मतदाताओं में ये भी बताएंगे, लेकिन अभी तो प्रत्याशियों में खूब उत्साह है, दर दर जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम करेंगे और उसके बाद जो वोटर्स हैं उनको प्रणाम करने के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन तब तक आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बने रहिए क्योंकि चुनाव की सबसे पहले सबसे सटीक खबरें और कवरेज आपको मिलेगी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। नगर निगम के